फ्लिपकार्ट का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड यदि आपके पास अवेलेबल है और उसको अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, वो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ, और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च करिए आप शॉपसी। क्यों कर रहे हैं, कोई ओल्ड मेथड नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। उसका ओपन वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा और शॉपसी ऐप ओपन हो जाएगा। होने के बाद जस्ट अभी आपको जैसे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा उसको ध्यान रखना है। देखिए, आप दो तरीके से अपना बैलेंस निकाल सकते हैं, एक तो गिफ्ट कार्ड को आप फ्लिपकार्ट में वॉलेट में ऐड करके और डायरेक्टली वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र कर लीजिए, और या तो फिर डायरेक्टली आप गिफ्ट कार्ड से ही डायरेक्टली आप, ठीक है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप अपने बैंकों में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो दोनों ट्रिक यहाँ पे वैल्यूबल है और वर्क कर रही है प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे आने के बाद अपना यहाँ पे शॉपसी में अकाउंट लॉगिन कर लीजिए एज अ फ्लिपकार्ट अकाउंट से, मतलब जो फ्लिपकार्ट में आपने जो नंबर से लॉगिन करके रखा है वही नंबर से यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कोई भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे आप चले जाना है और जाकर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बाय करना है। क्यों करना है अभी नेक्स्ट समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिएगा उसका जो अमाउंट होगा कम से कम 29 रुपये या 100 रुपये होना चाहिए, और जितना भी अमाउंट होगा वही आपका चार्जेस होगा, ये आप समझ के चलिएगा। बाकी उसके ऊपर के जितना होगा वो आप एज अ मतलब कि एक तरीके से ये जो ट्रिक है इस ट्रिक का यूज़ करते हुए अपना फ्लिपकार्ट गिफ्टकार्ड का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे ईजिली। तो ये जो मेथड है इसको यूज़ करने के लिए जस्ट अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आपको मीशो मिलता है तो आपको यहाँ पे अपना कमीशन सेट कर लेना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के लिए आप कस्टमर के लिए ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, ये शॉपसी का ये कहना है, और आप यहाँ पर अपना कमीशन सेट कर सकते हो। ना यहाँ पर अपना 510 या 520 जितना भी कमीशन सेट करना है वही समझिए आपका बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। बाकी जो आप प्रोडक्ट बाय करोगे वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा, उस प्रोडक्ट आप चाहो यूज़ कर लो, ठीक है, और उसके बाद चाहो किसी और को आप शॉप पे दे सकते हो जो वो सेल करके आपका वो भी पैसा आपका, ठीक है, रिफंड मिल जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आप प्रोडक्ट खुद ही यूज़ कर लोगे, बाकी जो बैलेंस आएगा उसको अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर लोगे। तो अब यहाँ पर प्लेस ऑर्डर वाले सेक्शन में आप क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेमेंट पेज पे जब आप आएंगे या फिर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो अमाउंट आपका एक तरीके से देखा जाए तो कम अमाउंट हो, कुछ ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, तो ये भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताने की ट्रिक से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल अभी आप पेमेंट गेटवे पे आ गए हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर जस्ट आपको गिफ्ट कार्ड की एक ऑप्शन मिलेगा, तो जो आपके पास वाउचर पड़ा हो उस वाउचर को यहाँ पे एंटर करिए, और एंटर करने के बाद कंटिन्यू करके आप उस गिफ्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया है कि दोनों ट्रिक मैंने बता दिया। अगर आपकी बात गिफ्ट कार्ड कम है और अमाउंट ज़्यादा है तो आप उसको ऐड करके निकाल सकते हैं ड्रेगी वाले में, और नहीं है तो डायरेक्टली गिफ्ट कार्ड से यहाँ डायरेक्ट परचेज़ करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, गिफ्ट कार्ड जब भी आप परचेज़ कर पाएंगे गिफ्ट कार्ड से, जब आपका जो अमाउंट है यहाँ पे वो 853 रुपये का गिफ्ट कार्ड होगा तभी आप परचेज़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि अभी वहाँ पर आपको 90 वीडियोज़ मिलेगी जिसमें 30 डेज़ के अंदर, उसमें तो एक यूनिक ट्रिक मैं बताऊंगा जिसमें आप अपना जो बैलेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल पाएंगे, लेकिन ये टास्क कंप्लीट होगा हमारे 10,000 सब्सक्राइबर के बाद। तो आई होप आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे।